बैंक बैंक की अगर बात करें, उससे पहले हमें इस सिस्टम को समझना होगा कि लोग पहले किस प्रकार एक दूसरे की आवश्यकताओं की पूर्ति किया करते थे। तो सबसे पहले लोगों ने वस्तु विनिमय के माध्यम से अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करना प्रारंभ किया। इसमें क्या होता था कि जिसके पास जिस वस्तु की अधिकता है, उसके बदले में वह दूसरी वस्तु प्राप्त कर सकता था जिसे वह प्राप्त करना चाहता है। इसके लिए वह अपने अधिकता वाली वस्तु का भुगतान करता था और बदले में उसे वह वस्तु मिलती थी जिसकी उसे आवश्यकता है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या इस व्यवस्था में यह आती थी कि सामने वाला यदि आपको वह वस्तु नहीं देना चाहे तो आप उस वस्तु को प्राप्त नहीं कर सकते थे। इस व्यवस्था की कमी को दूर करने के लिए धीरे धीरे एक नई तकनीक का आविष्कार हुआ। उसमें क्या हुआ कि राजा महाराजों ने सिक्के ढाले, कुछ धातुओं के सिक्के बनाए, उन सिक्कों का कुछ मूल्य निर्धारित किया और उन मूल्य निर्धारित सिक्कों के बदले में लोग किसी को भी वह सिक्का प्रदान करके अपने लिए आवश्यक वस्तु प्राप्त कर लेते थे। इसी क्रम में आगे चलते गए और फिर बैंकों का आविष्कार हुआ। अब इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे कि बैंक क्या है, कैसे काम करते हैं, इनकी उत्पत्ति कैसे हुई। बैंक शब्द के इतिहास के बारे में अगर हम बात करें तो दो मुख्य धारणाएं पाई जाती हैं। एक इटालियन धारणा, जिसमें इटालियन शब्द BANCO बैंकों से बैंक शब्द बना बताया जाता है। दूसरी जर्मन शब्द BANCK से बैंक शब्द की उत्पत्ति हुआ माना जाता है। अब इस शब्द के मायने क्या हैं, तो अगर हम बात करें तो पहले जो लोग जिनके पास मुद्राएं होती थी, अपनी मुद्रा के आदान प्रदान के लिए एक बेंच पर बैठकर अपनी मुद्राओं का आदान प्रदान करते थे। उस बेंच से ही बैंको शब्द बना और उस बैंको शब्द से ही बैंक बने। बैंक की परिभाषा की अगर हम बात करें तो भारतीय बैंकिंग अधिनियम 1949 कहता है, बैंकिंग कंपनी वह कंपनी है जो बैंकिंग का व्यवसाय करे। अब बात करें बैंकिंग क्या होती है, तो बैंकिंग से तात्पर्य की अगर हम बात करें तो जनता से जमाएं स्वीकार करना, ऋण देना, जमाओं को मांगने पर चेक, ड्राफ्ट या अन्य किसी माध्यम से चुकाना या लौटाना, वो सभी बैंकिंग के कार्य आते हैं। फिर हम बात करें कि रुपए के लेन देन करने वाली संस्था ही बैंक है। जो संस्था बैंक है वह रुपयों का लेन देन करती है। गिलबर्ट साहब कहते हैं, बैंक पूंजी अथवा मुद्रा का व्यवसायी है, मतलब मुद्रा या पूंजी जो है उसका व्यापार करता है बैंक। हार्ट कहते हैं, बैंक वह संस्था है जो अपने साधारण व्यवहार में धन प्राप्त करती है तथा जमाओं, कर्ताओं और खातेदारों को चेक द्वारा भुगतान करती है। हमने पहले ही बात कर ली कि बैंकिंग के अंतर्गत क्या आता है, मांगने पर चेक द्वारा, ड्राफ्ट द्वारा या किसी भी अन्य प्रकार से जो जमा धन है उसे लौटा। बैंकों के इतिहास को देखें तो 1157 में बैंक ऑफ वेनिस की स्थापना हुई, 1401 में बैंक ऑफ बार्सिलोना की स्थापना हुई, 1407 में बैंक ऑफ जेनेवा की स्थापना हुई, 1609 में बैंक ऑफ एम्स्टर्डम की स्थापना हुई। आधुनिक बैंकिंग की शुरुआत के बारे में अगर हम देखें तो 1640 में इंग्लैंड में आधुनिक बैंकिंग की शुरुआत हुई और 1694 में बैंक ऑफ इंग्लैंड की स्थापना की गई। पूर्व की स्लाइड में हमने विश्व में बैंकिंग इतिहास की बात की। अब हम भारत के संदर्भ में अगर बैंकिंग इतिहास को देखें तो सबसे पहले 1770 में बैंक ऑफ हिंदुस्तान जो कलकत्ता में था उसकी स्थापना की गई। 1786 में जनरल बैंक ऑफ इंडिया बना। 1809 में बैंक ऑफ कलकत्ता। 1840 में बैंक ऑफ बॉम्बे।
1843 में बैंक ऑफ मद्रास, अब बैंक ऑफ बॉम्बे, बॉम्बे मुंबई को ही कहा जाता है तो बैंक ऑफ बॉम्बे, फिर उसके बाद में 1881 में अवध कमर्शियल बैंक जो भारत भारत में स्थापित भारत का पहला बैंक था, 1921 में प्रेसिडेंसी बैंक जो हमने तीन बैंक पहले देखे, बैंक ऑफ कलकत्ता 1809 वाला, बैंक ऑफ बॉम्बे 1840 वाला और बैंक ऑफ मद्रास 1843 वाला, इन तीनों को मिलाकर 1921 में प्रेसिडेंसी बैंक की स्थापना की गई। ये फिर 1935 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई की स्थापना की गई। 1955 में स्टेट बैंक की स्थापना की गई। हमने कहा कि तीन बैंकों को मिलाकर प्रेसिडेंसी बैंक बना था, उसके बाद में 1955 में इन तीनों प्रेसिडेंसी बैंकों को जो मिलाकर बनाया गया था, 1955 में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बना दिया गया। अब ये प्रेसिडेंसी बैंक जो था यही आरबीआई से पहले केंद्रीय बैंक की भूमिका का निर्वहन करता था। अब हम बात करेंगे आरबीआई की। हाँ जी, आरबीआई की स्थापना के लिए देखें, 1773 में वारेन हेस्टिंग ने जनरल बैंक ऑफ बंगाल एंड बिहार को भारत का केंद्रीय बैंक बनाने का सुझाव दिया। जो प्रेसिडेंसी बैंक थे, हमने पिछली स्लाइड में बात की, बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ मद्रास और बैंक ऑफ बॉम्बे जो था, इन तीनों को मिलाकर इंपीरियल बैंक बनाया गया। उसके बाद में हिल्टन यंग आयोग, उसने सिफारिश की कि केंद्रीय बैंक होना चाहिए। 1931 में केंद्रीय बैंक जांच समिति ने केंद्रीय बैंक की स्थापना की सिफारिश की। 1933 में गोलमेज सम्मेलन में केंद्रीय बैंक की स्थापना का सुझाव दिया गया। आप देखिए, आज़ादी के पैरेलल ही ये बैंकों के जो सुझाव दिए जा रहे थे कि भारत में बैंकिंग तंत्र का भी विकास होना चाहिए। 1934 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट के अंतर्गत केंद्रीय बैंक की स्थापना की गई। 1935 में आपको पता है कि आरबीआई ने अपना कार्य प्रारंभ किया। आरबीआई के कार्यों की अगर बात करें तो आरबीआई के मुख्य कार्य जिनमें सबसे पहला आता है नोटों का निर्गमन। आपको पता है हमें अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए मुद्रा चाहिए, पैसा चाहिए, धन चाहिए और वो आपके पास नोट के रूप में होते हैं। इन नोटों के निर्गमन का कार्य आरबीआई द्वारा किया जाता है। दूसरा, आरबीआई सरकार का बैंकर है और अभिकर्ता है। अभिकर्ता मतलब एजेंट, एजेंट के रूप में कार्य करना। इनके बारे में हम आगे की स्लाइड में बात करेंगे, लेकिन सरकार का बैंकर मतलब सरकार को ऋण देने वाला, सरकार को पैसा देने वाला। अभी हाल ही में भारत सरकार ने आरबीआई से पैसा लिया, आपको पता होगा, तो सरकार के बैंकर के रूप में आरबीआई कार्य करता है। तीसरी बात करें तो बैंकों का बैंकर आरबीआई कहलाता है। बैंकों का बैंकर, जिसे हम कहेंगे कि पहले सरकार का बैंकर था, सरकार को ऋण उपलब्ध कराता था, अब बैंकों को ऋण उपलब्ध कराने का काम भी आरबीआई का है। समाशोधन जो कार्य है वो भी आरबीआई द्वारा करवाए जाते हैं। ये क्या होता है? क्लियरिंग हाउस, आपने नाम सुना होगा। आप जब चेक का डिपॉजिट करते हैं अपने बैंक में, तो चेक के भुगतान की जो प्रक्रिया है उसे क्लियरिंग हाउस के थ्रू ही कंप्लीट किया जाता है। तो इसकी एक स्थापना आपके एरिया में, आपके जिले में, आपके स्टेट में, ये सभी देखना आरबीआई का मूल कार्य है। विदेशी विनिमय नियंत्रण, भारत में विदेशी विनिमय किस प्रकार होगा, इसके नियम कानून कायदे आरबीआई द्वारा बनाए जाते हैं। बैंकिंग प्रणाली का नियमन, मतलब बैंकों के क्या नियम कानून कायदे होंगे, बैंक किस प्रकार कार्य करेंगे, ये सभी देखना आरबीआई का मुख्य कार्य है। क्यों? क्योंकि ये भारत के केंद्रीय बैंक के रूप में कार्य करता है। साख नियंत्रण, मुद्रा की वैल्यू कम होना, अधिक होना, मार्केट में मुद्रा का अवमूलन होना, मुद्रा स्फीति होना, मुद्रा प्रसार होना, ये सभी कार्य होने पर आरबीआई कुछ कदम उठाता है ताकि
इस मुद्रा की जो अवमूलन है, मुद्रा में कमी है, मुद्रा का प्रसार है, इसको नियंत्रित किया जा सके। इसके बाद में अगर हम बात करें तो आरबीआई के कुछ प्रतिबंधित कार्य हैं जो आरबीआई को नहीं करने चाहिए। पहले जो कार्य थे वो आरबीआई के करने योग्य हैं, दूसरे जो कार्य हैं वो आरबीआई के प्रतिबंधित कार्य हैं जो आरबीआई को नहीं करने चाहिए। सबसे पहले व्यापार पर रोक, आरबीआई व्यापार नहीं कर सकता, जैसे अन्य बैंक करते हैं वैसे आरबीआई को नहीं किया जाना चाहिए। अंशों का क्रय एवं जमानत पर ऋण देने पर रोक रहती है, अंशों का क्रय नहीं कर सकता आरबीआई, और जमानत पर लोगों को ऋण, कंपनियों को डायरेक्ट ऋण नहीं दे सकता। जमाओं पर ब्याज देने पर प्रतिबंध है, जो जमाएं स्वीकार ही नहीं कर सकता, डायरेक्ट आरबीआई जमाएं स्वीकार नहीं करता, इसलिए ब्याज देने पर भी प्रतिबंध है। सावधि बिलों पर प्रतिबंध है, कुछ विशेष अवधि के लिए बिल जारी किए जाते हैं बैंकों द्वारा। जब हमने बात किया कि जब लोगों को, कंपनियों को आरबीआई इस प्रकार कुछ जारी नहीं करता, तो इस प्रकार का भुगतान पर भी प्रतिबंध है। प्रतिभूति रहित ऋणों पर प्रतिबंध, किसी प्रकार की प्रतिभूति गिरवी रख के जो ऋण दिए जाते हैं वो आरबीआई द्वारा नहीं किया जाएगा। अचल संपत्ति की जमानत पर ऋण पर प्रतिबंध, ये सभी कार्य जो मैं बता रहा हूँ ये सब बैंक के कार्य हैं, बैंक ऐसा करते हैं, लेकिन आरबीआई को ऐसे ये काम नहीं करने चाहिए। अचल संपत्ति का क्रय नहीं करना चाहिए।